हर हर महादेव दोस्तों, तो आपका आज की ब्लॉग में स्वागत है। और अभी करीब रात के 10 बज रहे थे और मैं फार्म हाउस पे आ गया हूँ, तो चलिए आपको भी फार्म हाउस के अंदर लेके चलते हैं। तो चलिए चलते हैं, और चलिए अब अंदर चलते हैं, दरवाजा खोल लेते हैं। तो दोस्तों अभी मैं फार्म हाउस पे आ गया हूँ और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, सब लोग बैठे हुए थे और खड़े भी थे और बीच में आग लगी थी। तो चलिए पता करते हैं यहाँ पे इतनी भीड़ और आग क्यों लगी है, तो बताइए। अरे हमारे मास्टर साहब आए थे आज डेरा पे, बोले कि थोड़ा बाटी चोखा बनाइए, उसी के लिए गुड्डू भी आए हैं, आरा लगाए हैं और बाटी चोखा लगेगा, सब लोग खाएंगे मिल बांट करके। सब मित्र हमारे हैं, सब आए हैं, फ्रेंड हैं। अभी अभी भौरी गाड़ा आएगा, मास्टर साहब आए, देखिए हमारे मुख्य अतिथि यही है, आज के मुख्य अतिथि है। बैठिए बैठिए सर, बैठिए आप, बैठिए आप, बैठिए बैठिए। तो गाय हमारी है सब, बैठिए। दोस्तों यहाँ पे गुड्डू चा और मेरे बड़े भाई अभिनव यहाँ पे बाटी को उसका असली शेप दे रहे थे, उसके बाद इसको पकाएंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी यहाँ पे सब लोग बाटी को रख रहे हैं आग पे ताकि ये पक जाए, फिर एक सब लोग खा लें। दोस्तों अभी हमारा बाटी पक चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी थोड़ा थोड़ा बचा है, ये भी अभी पक जाएगा, फिर जाके हम लोग खाएंगे और आपको भी दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग डिनर किए हैं और हम लोग गेट के बाहर देखे हैं, तो हम लोग गेट के बाहर वीरू मिला है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये रहा हमारा वीरू। तो चलिए आज के ब्लॉग में इतना ही, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए हेलो गाइस, सब्सक्राइब करना है।